सौरभ, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा रोल। समोसा रोल बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मैंने 5 टेबलस्पून नीम गरम घी के लिए हैं 5 टेबलस्पून, उसके अंदर मैं 1/2 टेबलस्पून नमक का डाल रही हूँ, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी, ये मैंने 1 कप पानी का लिया है, बड़ा कप लिया है, मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालूंगी। 1/2 कप मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया है। इसको हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। डेढ़ कप मैंने मैदे का लिया है, इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे कि ये नमक अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब मैदा इसके अंदर डाल दूंगी, 1/2 कप मैदा। अब हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह आटे की तरह गूंद लेंगे। अगर हमें और पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो फिर इसी में ही हम गूंद लेंगे। मैदे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, इस तरीके से इसको हमने गूंदना है। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब समोसे में जो रोल समोसा है उसके अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे, उसमें मैंने 4 अदद बड़े आलू लिए हैं, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई पाउडर उसका, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/2 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टेबलस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्च मैंने इसको चॉप कर लिया है, सूखा धनिया, सूखी मेथी 1 टेबलस्पून और 1 बड़ा प्याज इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अब हम आलूओं को लेंगे और आलूओं को मैश करेंगे। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और ये मैंने 1 अंडा लिया है, इसको ये मैंने 1.5 टेबलस्पून चावलों का आटा लिया है, ये चावलों का आटा है, ये भी मैं इसके अंदर डालूंगी, 1.5 टेबलस्पून है। ये अंडा 1 अंडा है, इसको मैंने फेंट लिया है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, चावलों का आटा। और ये सारे जो मसाले मैंने आपको बताए हैं हम इसके अंदर डाल देंगे, प्याज, सब्ज मिर्च और सूखा धनिया, सूखी मेथी, ये सब कुछ हम इसके अंदर डाल देंगे। हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं जो मैदा मैंने गूंदा है इसकी मैं रोटियां बेल कर इसकी पट्टियां बनाने लगी हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। छोटे से पेड़े लूंगी और इसकी इस तरह से रोटियां बेलती जाऊंगी। रोटी को हमने मोटा नहीं बेलना, बारीक बेलना। इधर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें ये हमारे समोसा रोल तैयार हो गए हैं, तो आइए अब इसको हम फ्राई करते हैं। घी को मैंने पहले ही इसे गर्म होने के लिए रख दिया है, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐसे ऐसा करके ये सारे जितने इसके अंदर आराम से आ जाएं उतने डाल देते हैं, और इसको हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। साइड से हो जाए तो हम इसकी साइड को पलट देंगे। फ्लेम को हमने लो रखना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें ये हमारे कितने अच्छे समोसा रोल तैयार हुए हैं। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े के बनते हैं, और रमज़ान में भी आप इसको बनाएं, या चाय के साथ भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ।
और मेरी जो मैं रेसिपी है उसको घर में जरूर बनाया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह। You can